ये TVS के स्टार सिटी हमारे पास आई है, जिसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी गियर लगाते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि पीछे से कुछ खुल के निकल रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ टूट रहा है। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ट्रायल के लिए बाइक को हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं। एक बार देखिए, आप गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही ये बंदा बैठ के गियर लगाएगा तो ऐसा फील हो लगता है जैसे कि कुछ खुल के निकल रहा है। चलिए बारीकी से आपको दिखाएंगे, आप ध्यान से यहाँ पे देखना। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, झटका दे बच्चे, झटके दे। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हिल रहा है। चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पूरा इसे खोल चुके हैं इसको, और आपको एक्चुअली प्रॉब्लम दिखाते हैं कि हो क्या रखा है। तो ये नट आप देख रहे हैं जो कि इंजन कसा हुआ था, आप ध्यान से देखिए ये हिल रहा है। एक मिनट मैं दिखाना चाहूँगा, हिलाओ तो आप ध्यान से देखिए ये इंजन हिल कैसे रहा है। यानी कि ये स्टड और ये नीचे का जो ये स्टड है, इस दोनों को हम लोग प्रॉपर टाइट करेंगे और जो प्रॉब्लम आ रहा था, झटके ले रहा था गाड़ी तगड़ा वाला, जैसे गियर लगाते ही तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा है, तो ये इस नट के कारण ऐसा होता है, ढीले हो जाने के कारण। चलिए इस नट को हम लोग टाइट करते हैं और फिर ट्राई करके देखते हैं कि बाइक फिर से तो दिक्कत नहीं कर रही है। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। तो आप देख सकते हैं नट बहुत ही ज़्यादा ढीली हो रखी है। देखिए टाइट करना छोटू, देखिए ये कितना ढीला हो रखा है, देखें आप। तो इंजन असेंबली लाइन जो हमारे चेचिस पे बैठी रहती है, तो इंजन ढीला होने के कारण जब भी गियर लगा रहे थे तो बाइक झटका ले रहा था और लग रहा था जैसे कि आगे से कुछ खुल रहा है। तो वीडियो बनाने का मैं यही कारण था कि जब भी कोई भी मैकेनिक भाई अगर बाइक रिपेयर करते हैं तो जब ट्रायल लेते हैं तो उस टाइम ध्यान देके देखे कि कहीं से कोई नट ढीली तो नहीं हो रखी है। तो बस यही था कि आप जब भी गाड़ी कहीं बनवाते हो, कहीं रिपेयर करवाते हो, तो उस मैकेनिक से आप इतना ज़रूर कहना कि भाई एक बार इस ट्रायल ले तो उसमें ये पता ज़रूर करें कि कोई नट तो ढीली तो नहीं रह चुकी है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने अच्छे से सारा कुछ चढ़ा लिया है, एक बार इसको चला के देखते हैं कि फिर से प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। गियर लगा लिया, चलिए देख सकते हैं बाइक बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है और कहीं से कोई झटका वटका कुछ नहीं, बिल्कुल ओके हो गया है। तो ये जो भी झटका का प्रॉब्लम हो रहा था वो इंजन के स्टार्ट ढीले पड़ जाने के कारण हो रहा था। बाइक बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।